सो गाइस आगे उस तरफ हाथी है और पीछे गेंडा है। अभी हम बीच में फंसे हुए हैं, ना आगे जा पा रहे ना पीछे। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू इन न्यू वीडियो। हमारी वैन आ चुकी, जीप आ चुकी है, एक्चुअली जीप उधर खड़ी है और अभी हम जा रहे हैं जीप सफारी के लिए, मेनली जिसलिए हम आए हैं काजीरंगा। और वो खड़ी हमारी सामने जीप। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं जीप सफारी के लिए। भैया बता रहे हमें अब कुछ बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, लगभग जितने होते हैं ना वर्ल्ड में जानवर, कह रहे वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ये अपनी जीप खड़ी है। गाइज हम निकल पड़े हैं अपनी जंगल सफारी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। काफी मजा आने वाला है, आप देखिएगा जरूर। काजीरंगा नेशनल पार्क एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था 1985 में हुआ था और ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है एक्चुअली। और ये हमारे ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है सर? मेरा काजू अंसारी। काजू अंसारी असम से? यहाँ असम से। आजमीज बंगाली? बिहारी मुस्लिम। बिहारी मुस्लिम। कौन कौन से जानवर अभी हमें मिल जाएंगे? राइनो मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, डियर, सम डियर, हॉग डियर, बफेलो। अच्छा, डॉल्फिन मिलेंगी क्या? डॉल्फिन शायद मिल भी सकता है, उधर तो जाएंगे हम। जाएंगे, सब कुछ देखेंगे ना, मतलब जो होता है सब कुछ। कुछ छोड़ेंगे तो नहीं? कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छुड़वाना है। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया। गाइस देखो, ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है एक्चुअली, जो ये अपनी गाड़ी की स्पीड है ये सामने बता रहा है, योर स्पीड 30। ये जो रोड है ना यहाँ पे स्पीड लिमिट बिल्कुल, गाड़ी आराम आराम से चलती है। ये जो एरिया है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड से ही चलती है गाड़ी, क्योंकि ये हाईवे पे ना यहाँ पे कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है, हाथी वगैरह आते रहते हैं, तो गाड़ी की लिमिट यहाँ पे कंट्रोल कर रखी है ऑफिशियली। हमने पर्ची बनवा ली एंट्री की पर्ची बनी और कैमरे का चार्ज लगा, तो 7:30 लगे हमारे, पर्ची बनवा ली और अब हम जा रहे हैं। गाइस ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से जंगल का रास्ता। अंकल नमस्ते। कहाँ पे है? हो रहे ना डियर? हाँ डियर। तो गाइस आप देख सकते हैं डियर कितने दूर है, पर काफी दूर है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के व्यू पॉइंट पर आ गए और यहाँ पर 10 मिनट अभी हम रुकेंगे। तो गाइस आप वो देख सकते हैं, अभी ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, ब्रह्मपुत्र रिवर एक्चुअली, ये काफी कम है, ये बहुत कम पानी है और बरसातों में यहाँ इसमें बहुत पानी भर जाता है। ये जो आप पूरा ये जमीन एरिया देख रहे हैं ना, और ये पूरा जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर ही होती है। मैं बता रहा हूँ, ये हाथी के पैर है एक्चुअली, हाथी के पैर के निशान है, ये ऊपर तक जा रहे हैं। गाइस देखिए हाथी के पैर का निशान और मेरा पैर देखिए इसमें। ज़ूम करके दिखाते हैं, चलिए आगे चलिए। ओ भाई साहब, कितना खतरनाक लग रहा है। ओ भाई साहब, तो गाइस देख सकते हैं आगे एलिफेंट है और पीछे हो रहा वन हॉर्न रहा, बहुत खतरनाक लग रहा था देखने में। पास से करीब से देखा भाई साहब, उसकी शक्ल देखी ना, बहुत खतरनाक लग रहा था। गाइस देखिए सामने हाथी खड़े, जंगली हाथी। तो गाइस देख सकते हैं सामने वहाँ हाथी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो, देखिए हाथी एक ही है। आगे उस तरफ हाथी है और पीछे गेंडा है। अभी हम बीच में फंसे हुए हैं, ना आगे जा पा रहे ना पीछे,
अब पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गेंडा एक है वो थोड़ा दूर है, वो पीछे को जा रहा है। मेरे पीछे का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ से, क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। अभी फ़िलहाल हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने चार जानवर देखे, राइनो देख लिया, वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट देख लिया और भैंसा भी देखा और डियर भी देख लिया। तो अभी मैंने यही देख पाया हूँ, बाकी टाइगर तो दिखे नहीं। और डॉल्फिन हमने सुना था कि डॉल्फिन भी दिखेंगी पर वो भी नहीं, हमें नहीं मिली। हेलो हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? थाईलैंड। ओके सो गाइस, हमारे साथ साथ और भी लोग आए हुए हैं फॉरेनर्स घूमने थाईलैंड से। वो पर्ची गिर गई तो गाइस, जैसा कि अभी देखा होगा, अभी फॉरेनर्स लोग यहाँ पे आए थे घूमने। पहले मुझे लगा हम अकेले ही आए हैं घूमने टूरिस्ट, और कोई जीप मेरे को दिखी नहीं रही थी यहाँ पे, बट अब दो जीप दिखी तो फॉरेनर्स थे दोनों जीप में, थाईलैंड से आए थे तो अच्छा लगा उनसे मिलके। तो गाइस अभी हम वापसी जा रहे हैं, घूम लिए जो घूमना था और अभी वापसी जा रहे हैं, और फिर आगे का प्लान ये है कि हम आज ही वहाँ से निकल जाएंगे मजूली के लिए। अभी फटाफट वहाँ पे जाएंगे, सामान पैक करके उठाएंगे और वापस जाएंगे। नमस्कार, कैसे हो? और सर जी ठीक सो? हाँ ठीक है, वेलकम। सर हमें तो जानवर बहुत कम ही दिखे, जानवर कम थे यहाँ पे, राइनो एलिफेंट डियर इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा। लायन दिखा? नहीं दिखा। कहाँ से आप लोग, कहाँ से हैं? दीसपुर, तेजपुर, असम से ही हैं? अच्छा, अभी शाम के क्या टाइम हो रहा है? 5 बजने वाले हैं। और नज़ारा देखो आप सामने से, क्या फॉग वाला नज़ारा देखो यार, ब्यूटीफुल व्यू देखो, ब्यूटीफुल व्यू, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो गाइस, फिलहाल अभी मैं काजीरंगा में ही हूँ एक्चुअली, और बट जो मेरा पहले वाला होम स्टे था जो मैं बता रहा था जंगल में, वहाँ से मैं आ गया एक्चुअली। वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, वहाँ हमारे साथ एक्चुअली टूरिस्ट स्कैम हुआ है। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। हमने उनसे पहले पूछा था, उन्होंने हमें रूम दिखाए थे, वो कोटेज था, एक रूम सा था, उन्होंने बोला था इसमें अगर रहना है आपको इसका चार्ज 2500 रुपये एक रात का, ठीक है। और फिर उन्होंने टेंट दिखाए थे, वो टेंट लग रहे थे, उसका चार्ज था बताया था उन्होंने 1500 रुपये एक नाइट का। हमने उनसे बोला था कि ठीक है हमारे पास अपना टेंट है, हमें अपना टेंट लगाने दीजिए, आप अपना टेंट रहने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है हम अपना ज़मीन का तो चार्ज लेंगे ना, हमारे यहाँ लगाओगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं ले लेना। तो उन्होंने बोला था ठीक है हम 500 रुपये लेंगे। मैंने कहा ठीक है टेंट यहाँ पे टेंट लगाने का 500 रुपये लोगे ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये ले लेना, हम अपना टेंट लगाएंगे, दोनों सिम में सो जाएंगे, ठीक है। हमने कॉल कह दिया ले लेना आप पैसे। जब उसने बिल वगैरह बनाया तो उसमें उसने लिख दिया 2 जनों के 1000 रुपये, 500। भाई 2 जनों के क्यों लिखे, टेंट तो पूरा हमारा ही है, हम उसमें 200 हैं 300 हैं, उन्हें ज़मीन अपने जगह के पैसे लिए, तेरी जगह पर टेंट लगाया हमने, 2 जने को क्या मतलब। और फिर क्या हुआ, हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट करी सारी, उसके जितने बैठे थे टोटल मिला के उसके 3000 बैठ रहे थे, उसके अकाउंट में हमने डाले तो डल नहीं रहे थे, उसका कोई UPI इशू आ रहा था, तो उसने किसी और के में डलवाए तो हमने उसके अकाउंट में डाल दिए। तो हमने हमारे से पेमेंट चली गई, सक्सेसफुल हो गया, फ़ोन पे हमने करा और फिर वहाँ से उसने फ़ोन करके पूछा तो बोला हमारे पास मैसेज ही नहीं आया, कोई मैसेज ही नहीं आया, हमें उसने बिल्कुल परेशान कर दिया, रोक के रखा हमें, कह रहा नहीं नहीं रुको मैसेज आने दो तब जाना। तो भाई हमारी तरफ से पेमेंट हो गई, बेफिक्र रहे, मैसेज नहीं आया तो आ जाएगा बाद में, हमें जाना है, लेट हो रहा है। हमें वो लेट करने की कोशिश कर रहा था जानबूझ के, हालांकि उसका मैसेज आ गया होगा, हमें वो जानबूझ के लेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक और नाइट यहाँ पे रुके और हम और पैसे उससे ले सके।
तो भाई ये बात हमारे साथ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पे। और बाकी मज़े पूरे काटे हमने, खैर वहाँ पे ऐसी बात नहीं, मज़े पूरे काटे, बट एंड टाइम पे बिल्कुल उसका व्यवहार अच्छा नहीं था हमारे प्रति, तो ये बात मेरे को ठीक नहीं लगी। और फिलहाल जो अभी मैं लोकेशन हूँ, अभी मैं उसी हाईवे पे हूँ एक्चुअली जो गुवाहाटी से काजीरंगा है, काजीरंगा में है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ये यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर आ गए, वहाँ से तो निकल गए, यहाँ पे आ गए, हमने रेस्टोरेंट से बात करी वहाँ पर, वहाँ के जो मैनेजर है वहाँ से बात करी, हमने बताया कि हम टूरिस्ट हैं एक्चुअली, हमें ऐसी नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बजट में, तो हम यहाँ टेंट लगा सकते हैं क्या? तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी, ठीक है आप टेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी हटा लेना, हमारा रेस्टोरेंट है, ठीक है। हमने हमें अब हमारा प्लान है यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे, कैंपिंग करेंगे और रात हम यहीं सोएंगे। तो गाइस अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम कैंपिंग कर रहे हैं मैं वहीं पर आ गया, तो अभी हमने ये वेज बिरयानी ऑर्डर करी है, हाफ हाफ हमने ले ली, काफ़ी आई थी जो दो जनों का पेट भर जाए, और अभी हम इसको खाएंगे, एंजॉय करते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। हाथी आ गया है। अरे बड़ा तोस है किसी का, वो देखे बड़ा तोस होने से इधर दिखा दे रहा है, एक 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 जगह ऐसी नहीं की, एक जगह जगह ऐसी। सो गाइस आप वहाँ पे देखो कितने सारे हाथी हैं, इधर ही आ रहे हैं क्या, ने घूम गया दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं अभी कितने हाथी आ गए यार। सो गाइस अभी हम यहीं पे थे रेस्टोरेंट के पास जहाँ मैं कैंपिंग कर रही है, और यहाँ इसके पीछे कितने सारे हाथी हैं पता नहीं, कैमरे में दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो लाइट मार देने से तो गाइज आज का आशियाना हमारा यहाँ पर है एक्चुअली, और रात हो गई है, ये हमारा आशियाना है रेस्टोरेंट में, यहाँ हमने टेंट लगा रखा है अपना,
और अब हम जा रहे हैं। दीपक भाई पहले लेट के लेट गए और अब अभी सोएंगे हम और फिर मिलते हैं सुबह। तो गाइज अभी हम अपने कैंपिंग टेंट में लेट गए और यार आज तो बहुत मजे काटे हमने, कल से भी ज्यादा मजे काटे। कल तो हम दोनों ने ही डांस करा था, आज हमने इतने मजे काटे। हमारे साथ होटल मैनेजर, होटल के शेफ, बाकी सब ने, चार पांच जनों ने हमने साथ में डांस करा और बहुत सारी बातें करी भाई। एक बजने वाला लड़ा रात के और अब तक हम डांस कर रहे थे, बहुत सारी बातें करी, उसके बाद फुल मज़ा आ रहा भाई सब फुल। और अभी मैं टेंट में पैक होके लेट गया, बाकी सुबह मिलते हैं और बातें आपको सुबह बताई जाएंगी, सुबह दिखाया जाएगा अपना कैंपिंग टेंट। दोनों ही पैक होके लेट गए आराम से, दीपक भाई और मैं। गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। बाय।